क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x² - 2a² + b² x + a² b² = 0। इसमें मेन मुद्दा ये है कि सॉल्व करना है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आप इसको श्रीधराचार्य से करते तो आप फॉर्मूला लगाते -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन आप इसको क्योंकि फैक्टराइजेशन से मेथड से करना है तो इस थोड़ा टफ लग रहा है देखने में। देखिए कैसे करेंगे, तो क्योंकि फैक्टराइजेशन से करना है तो आप सोचते होंगे भाई एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो लगा है उससे हम सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 20 वाला नंबर आए, मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया था प्रोडक्ट हुआ है। आप उसको वैसे ना सोचिए, ये ऐसे भी हो जाएगा फैक्टर करे बिना। देखिए 4x² है, ये ऐसे उतारा, आप क्या करिए, -2a है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी -2a से स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -2a² हो जाएगा, -2b² से मल्टीप्लाई होगा तो 2b² हो जाएगा, ठीक है। और x यहाँ भी लगा था तो x भी दोनों से यहाँ भी मल्टीप्लाई, इससे भी, तो यहाँ भी x आ गया और यहाँ भी x आ गया, स्क्वायर a भी लगा है, ठीक है, क्लियर होगी बात। मतलब x भी इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से और 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है एक साथ, प्लस a² b² एक्चुअल में यही फैक्टर निकलते हैं। जब आप इसको 4 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 4a² b² आता। अब आप 4a² में 4 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 2 4 2 1 2। अब आपको जोड़ने घटाने में -2 लाना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है, ये नहीं लाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लाना है, 4a² b² ये लाना है, ठीक। तो आप क्या करते हैं, -2a² एक बार लेते हैं, फिर -2b² लेते हैं। तो अगर हम इनको जो है -2a² को -2b² से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 4 a² * b², ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, जो कि आपको लाना था मल्टीप्लाई। अब इन्हीं दोनों को ऐड अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस a² है, यहाँ b² है, यानी कि इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, ये एज इट इज़ लिखे रहेंगे, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं इस तरह से, ओके, इन्हीं दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। देखिए ये ऐसे ही, इसको जब हमने खोला तो यही आ गया, ठीक है, -2a² - 2b², ठीक है, यही आ गया इत्तेफाक से, ओके। तो बस यहाँ तक ये मसला हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, देखो सर, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, 2 × 2 है ना रफली, तो एक 2 कॉमन ले ले क्योंकि यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, यहाँ x² है, यहाँ बी, यहाँ x, सॉरी, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा एक 2 बचा, x² में तो 1x चला गया, 1x बचा, माइनस यहाँ से ये 2 चला गया, यहाँ से x चला गया, बचा a². यहाँ क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस एक जगह पे हो तो माइनस ही लेते हैं, देखिए 2 दोनों में है नहीं, 2 लेंगे नहीं, b² यहाँ भी है, b² यहाँ भी, तो b² कॉमन लेंगे, यहाँ बचा 2x, क्या बचा 2x, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन ले, माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या बचा, b² चला गया, a² बचा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2x - a² - 2x - a² जब ये दोनों सेम आ रही होगी ब्रैकेट में अंदर, यानी तभी आपका सवाल सही है, वरना आपका सवाल गलत है। तो आपने जो देखा कि जो चीज़ें सेम है उसको ऐसे लिख लिया, जो दोनों सेम है एक बार लिख लिया, और 2x - b² बचा, ये आपने उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, कैसे रख लेंगे, हम करेंगे 2x - a² = 0, ये हो जाएगा।